भाई बॉलीवुड वाले किस जन्म का बदला ले रहे हैं मेरे को जल्दी से बताओ भाई। ये गला दबाए ही जा रहे हैं, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए सबसे पहले तो इन्होंने रामायण खराब करी, चलो कोई नहीं, हो गई इनसे गलती, इनकी आस्था ठीक थी, मान लेते हैं इनकी बातें भाई, मान लेते हैं जो इनके डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखे थे वो अच्छी आस्था के साथ लिखे थे, कोई बात नहीं। अब जब इन्हें पता चल गया कि हम नहीं चाहते मॉडर्न एज जो ये बना रहे हैं हमारे भगवानों का रूप, तो ये अब क्यों पीछे पड़े हैं? अभी मेरे को पता चला है जो ये मूवी आने वाली है प्रोजेक्ट के, दिस इज़ अबाउट भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को नए मॉडर्न एज अवतार में लोग दिखाने वाले हैं, उनकी शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर ये लोग बात करने वाले हैं कल्कि की, मतलब कि क्यों पीछे पड़े हैं ये बताओ। साइंस फिक्शन टच दिया है इन लोगों ने, लेकिन भाई मैंने देख लिया इनका टेक्नोलॉजी, मैंने देख लिया इनका एडवांस बना, भाई ड्यून जैसा तो इनका पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से भाई इन्होंने आदि पुरुष का मजाक उड़ाया, जिस तरीके से भगवान श्री राम को इन्होंने धोखा दिया, मैं मेरे को नहीं लगता प्रोजेक्ट के अंदर कुछ दम होने वाला है। हालांकि कास्ट प्रोजेक्ट के की बहुत बड़ी है, उसमें आपको प्रभास, दीपिका, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दुलकर सलमान, महेश बाबू एंड सूर्या, ये थोड़े थोड़े रोल में दिखने वाले हैं, बाकी के 5-6 लोग तो भाई कन्फर्म बड़े बड़े रोल्स में हैं ही। भाई मेरे को अंदर चोरेला धक 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 कि भाई यहाँ भी इन लोगों ने हक दिया ना, ये समेटना मुश्किल हो जाएगा। एंड दिस इज़ नॉट गुड फॉर प्रभास करियर रोल्स। प्रभास यार बाहुबली आदमी, उनकी इमेज क्या बनी और अब क्या बन गई? भाई दिस इज़ समथिंग सीरियस विच हैज़ टू बी स्टॉप्ड। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।